नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ ग्वालियर से। मैं आप लोगों को आज टीबी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये टीबी जो है केवल फेफड़े में ही नहीं होती, ये गले में गठाने, पेट में टीबी, दिमाग की टीबी, रीढ़ की हड्डी की टीबी और कहीं भी टीबी हो सकती है। उसमें ये नहीं कह सकते केवल फेफड़े में ही टीबी होती है। फेफड़े में पानी आ जाए तो भी कई बार टीबी हो जाती है ना। फेफड़े में मवाद आ जाए तो भी टीबी हो सकती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को 15 दिन से ज़्यादा खांसी आए, छाती रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, या लंबे समय से बुखार चल रहा हो तो छाती रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, जांचें कराएं, हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी की दवाइयां जो है, जो सरकार दे रही है, वो डॉट्स के माध्यम से दी जाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। चाहें तो वहाँ से दवाई लें या फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिनको आप दिखा रहे हैं उनसे दवाई ले सकते हैं। टीबी की दवाइयाँ जो होती हैं वो कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, उनका कोई गैप नहीं होना चाहिए। सारी दवाइयाँ बिल्कुल लगातार खाना चाहिए। अगर आपको टीबी की दवाई खाने से कोई भी शिकायत है, जैसे उल्टी आ रही हो, दवाइयाँ पच ना रही हो या भूख कम लग रही हो, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, तब दवाइयाँ बंद करें, अपने आप दवाई बंद ना करें। धन्यवाद।